अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को भी। चैनल पर नए हैं तो वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन स्टार्टर की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी, वो है ड्रम स्टिक कबाब यानी कि टंगड़ी कबाब। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन के 8 लेग पीसेस लिए हैं और इसमें अच्छे से गहरे गहरे कट लगा लिए हैं ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक पहुँच जाए। इधर मैंने तकरीबन 300 ग्राम दही लिया था जिसको बारीक कपड़े में रख कर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसका सारा पानी निकल चुका है। अब हम एक बड़ी सी प्लेट लेंगे जिसमें दही को खोल कर डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, ये तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। अगर आप रेगुलर लाल मिर्च ले रहे हो तो 1 टीस्पून लीजिएगा। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून ड्राई करी लीव्स को क्रश करके डालेंगे। अगर करी लीव्स ना हो तो 2 टीस्पून कसूरी मेथी ले लीजिए। 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला लेंगे। 3 से 4 टीस्पून भुने चने का बेसन ऐड करेंगे, इससे चिकन में बाइंडिंग अच्छी आएगी। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग सोडा ना हो तो बेकिंग पाउडर डाल लीजिए, इससे चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालेंगे। हरी धनिया की डंठल को भी बारीक बारीक कट करके डालेंगे। 4 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। 2 से 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे। 1 पिंच रेड फूड कलर डालेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सारे चिकन के पीसेस पर इस मसाले को अच्छे से अप्लाई करेंगे। मसाले को चिकन के सारे कट्स के अंदर अच्छे से फिल करना है ताकि मसाले अंदर तक अच्छे से जज्ब हो जाएं। तो इस तरह हमने सारे चिकन के पीसेस को मसाले से कोट कर दिया है। अब इसको ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। आप ओवर नाइट भी रख सकते हैं। तो इसको एक साइड में रखते हैं। 3 से 4 घंटा हो चुका है, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको फ्राई करते हैं। पैन में हमने सरसों का तेल गरम किया है। अब जो सा तेल यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें। अब एक एक करके पीसेस को इसमें बिछा देंगे। बचे हुए मसाले को ऊपर से अप्लाई कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। जब इस तरह इससे इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। ढक कर 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि हमें चिकन को गलाना भी है। 7 से 8 मिनट के बाद हीट को हटाकर साइड चेंज कर देंगे। सारे चिकन की पीसेस की साइड को चेंज करने के बाद गैस का फ्लेम फिर से हाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दूसरी साइड भी जब हल्की गोल्डन हो जाए तो इसको कवर कर देंगे। ढककर 7 से 8 मिनट तक इस साइड से भी पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन को हमने दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लिया है। सेम मेथड से हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। बचे हुए मसाले को चिकन की पीसेस पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद साइड चेंज कर देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ढककर सेम मेथड दोहराएंगे। तो चिकन के बाकी पीसेस को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए गैस पर एक कोयला गर्म करेंगे। सारे चिकन की पीसेस को पैन में रख कर बीच में एक कटोरी रखेंगे। कोयले पर मेल्टेड बटर डालेंगे। एक हाथ से पैन की लीड पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से बटर डालकर फौरन ढक देंगे और इसको स्मोक रहने तक छोड़ देंगे।
जब तक चिकन स्मोक हो रहा है, हम इसके साथ सर्व करने के लिए एक अच्छी सी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक मुट्ठी हरा धनिया, आधा मुट्ठी पुदीना, 4 से 5 लहसुन, एक हरी मिर्च, 10 से 12 काजू लिया है जिसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। सबको एक ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर और 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर डालेंगे। नमक और काला नमक ऐड कर देंगे। आधे नींबू का रस निचोड़ कर पीस लेंगे। अब इसमें गाढ़ा दही ऐड करेंगे और 2 से 3 बार रन करेंगे। ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना दही पतला हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह की स्मूथ कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इधर पैन में स्मोक भी ख़त्म हो चुका है। अब इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमें एक ग्रिल चाहिए जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। चिकन के पीसेस पर अच्छे से बटर लगाएंगे। अब इसको फ्लेम पर चारों तरफ घुमाते हुए सेकेंगे। एक तरफ सेकने के बाद सारे पीसेस की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरे साइड भी बटर अप्लाई करेंगे। तो इसको दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छा सा गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी है। एक भी चिकन की कोई भी पीस टूटी नहीं है। इसको बहुत कॉन्शियस होकर सेकना है। कोई भी चिकन की पीस जल्दी नहीं चाहिए। तो हमारा चिकन ड्रम स्टिक कबाब रेडी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन के पीसेस ना जले हैं ना कच्चे हैं, बिल्कुल परफेक्ट ब्लैकिश गोल्डन कलर आया है। तो आप इसे काजू, हरी मिर्च, पुदीने, धनिए की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप एज ए स्टार्टर बना सकते हैं, घर में दावत हो साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको और आपके मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो 1 टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।